चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी नानी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी नानी, मुझे अपने घर जाना है। यही बैठ जाते, ये तो गजब गुंडा ही है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, ये हाल है, ये हाल है, पार्टी के पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे एबी 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे बारह खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे, ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने देंगे? आप तो आपने रोका हमें, रोका आप रोक रहे हो हमें, रोक रहे हो आपसे बता के जाएंगे क्या सर? आपको बताए क्यों पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो आप, कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने? किसी को रोक लेगा इसे? कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144,000 लगी हुई है, 144 लगी हुई है, अभी कॉल दी हुई थी आपने, कॉल दी बताइए कि आप शहीदी पार्क में इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है, इतना ही पूछा ना, इतना ही पूछा आपको, गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म हो गया। उसी बात को नहीं चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो, क्या चेक चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर, ठीक है आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए, चलो आप छोड़ो, हम बच्चे ही हैं, आप रोक रहे हैं, हर चौराहे पर रोक रहे हैं आप लोग, किसी को घर ही नहीं जाने दोगे? ये तो गलत बात है सर, तमाशा बना दिया।